जो लोग चाहते हैं कि उनकी याददाश्त बेहतर तरीके से काम करे, ख़ास तौर पे बच्चे, क्योंकि बच्चे अपने स्कूल के अंदर उनको अपने जो लेसन है, अपना सबक याद करना होता है, तो उनके लिए एक बड़ी कमाल एक्सरसाइज है मेमोरी को किस तरह बेहतर किया जाए, अपनी याददाश्त को कैसे बेहतर किया जाए। इतनी अच्छी याददाश्त हो जाएगी कि आप वो सबक, वो लेसन जिसे याद करने में आपके कई घंटे लग सकते हैं, इस एक्सरसाइज के बाद एक ही बार आप उसको पढ़ेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तो आपके जेहन के अंदर वो बात बैठती चली जाएगी। क्या करना है? ए वेरी सिंपल एक्सरसाइज, अपनी दोनों ये शहादत की जो उंगलियां हैं इसे अपने कानों को बंद कर लें। ये देखिए, मुकम्मल तौर पर अपने कानों को बंद कर लेना है। इतना बंद करना है कि आपको बाहर से कुछ भी सुनाई ना दे। मुकम्मल तौर पर कानों को बंद करके 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक खामोशी से डेली सुबह को और शाम को दो बार किसी भी कमरे में आराम से बैठ जाएं और कुछ भी नहीं करना। जब आपके कान बंद हो जाएं, तो बंद कानों के अंदर फिर अंदर से क्या आवाजें आ रही हैं, अंदर एक शां शां की आवाज आएगी, उनको सुनिए। जो खामोशी है उसको महसूस कीजिए। आवाजों से, शोर शराबे से हमारे ब्रेन के ऊपर कुछ लहरें पैदा होती हैं, एक इरताश पैदा होता है, एक स्ट्रेस पैदा होती है। उस स्ट्रेस की वजह से हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, कई चीज़ें ओवरलैप कर जाती हैं, गड़बड़ हो जाती है, एक के ऊपर एक फाइल आ जाती है, एक के ऊपर एक ख्याल आ जाता है, तो मेमोरी क्लियर नहीं रह जाती। इस एक्सरसाइज से एक क्लैरिटी आएगी। वो कहते हैं ना, पिक्चर क्लियर हो जाना, एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दुनिया के जो कि अच्छे स्कूल सिस्टम हैं उनमें बच्चों को ख़ास तौर पे ये एक्सरसाइज सिखाई जाती है। अगर आप भी अपनी मेमोरी को सुपर मेमोरी में बदलना चाहते हैं, सुपर याददाश्त में बदलना चाहते हैं, डेली सुबह और शाम 20-20 मिनट तक इस एक्सरसाइज को करें। ज़रूरी नहीं कि उंगलियों के साथ ही आप अपने कानों को बंद करें। बाज़ार से ऐसे स्टड मिलते हैं, किसी और भी तरीके से, रुई से या किसी और तरीके से भी अगर आप कानों को मुकम्मल तौर पर बंद कर पाएं तो बंद किया जा सकता है। मेन बात मुकम्मल खामोशी का तजर्बा होना। आप ज़हीन भी होंगे, आपकी मेमोरी वो भी इन्हांस होगी। थैंक यू वेरी मच।